देखिए ये तो मैंने हिसाब नहीं लगाया कि कितना पैसा सरकार का खर्च हो रहा है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, और जो पैसा खर्च होगा उससे कई कई गुना ज्यादा पर्यटन के माध्यम से सरकार को पैसा आएगा। आप कोई उद्योग लगाते हैं, व्यापार करते हैं, छोटी सी दुकान भी खोलते हैं, तो पहली पूंजी तो हमको ही लगाना पड़ती है, उसके बाद उसके रिटर्न आना चालू होते हैं। तो नौजवानों की खातिर, गरीब मजदूर की खातिर, व्यापारियों की खातिर और बड़े उद्योग के भी खातिर कि नया निवेश हमारे यहाँ पे आए, एक शुरुआत करना पड़ती है, और एक अच्छी शुरुआत हुई है। कितना पैसा खर्च होगा, कितना लगेगा, ये तो आगे आ जाएगा, लेकिन उससे कई कई गुना ज़्यादा हमें रिटर्न भी मिलेगा, और सबसे बड़ी बात हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा जिनकी स्थिति आज बहुत खराब है। चुनाव के भले ही मकसद से दौरा बना हो, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि ऐसे में प्रधानमंत्री जी बुंदेलखंड की हालातों को समझेंगे। वहाँ जो पलायन होता है, वहाँ जो सूखा पड़ता है, वहाँ जो कुपोषण की स्थिति है, वहाँ जो खेत हमारे खाली पड़े रह जाते हैं, चंदेली तालाब हजारों की संख्या में, लेकिन नदियों से लिंक ना होने की वजह से खाली पड़े रहते हैं, तो अब जो है इस बात के ऊपर वो ध्यान देंगे। और उत्तर प्रदेश में वो जाएं, उनका स्वागत है, लेकिन मध्य प्रदेश की तरफ ही नज़र करें, क्योंकि बुंदेलखंड मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों के हालात एक से हैं। जब तक बैलगाड़ी के दोनों पहिए एक से स्थिति में नहीं होंगे, स्वाभाविक रूप से वो बैलगाड़ी कभी अच्छी चल नहीं सकती। तो उत्तर प्रदेश का भी वो ध्यान दें, मध्य प्रदेश में भी वो ध्यान देंगे, तो बैलगाड़ी के दोनों पहिए एक से होंगे और बुंदेलखंड वास्तव में तरक्की के फिर रास्ते पर आएगा। तो मैं आपके माध्यम से उनको सादर आमंत्रित करता हूं, और वैसे भी मान्यता है बुंदेलखंड की, आप लोग भी कई लोग बुंदेलखंड से जुड़े हैं, बुंदेलखंड में ये मान्यता है कि कोई भी शुभ काम होता है तो सबसे पहले राजा के रूप में जो राम जी ओरछा में विराजमान है, और ऐसी उनकी हैसियत है कि दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े वीवीआईपी को ओरछा में गार्ड ऑफ ऑनर नहीं होता। अगर गार्ड ऑफ ऑनर होता है तो हर पहर राजा राम जी को ही गार्ड ऑफ ऑनर होता है, और कोई भी जब शुभ काम होता है तो सबसे पहले वहां पर मत्था टेका जाता है। अगर बच्ची की शादी हो, लड़के की शादी हो, या कोई भी शुभ काम हो, पहला निमंत्रण लोग राम राजा जी की चौखट के ऊपर रखने जाते हैं, ये मान के कि अब हमारा काम शुभ होगा। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का बुंदेलखंड का दौरा अगर है, तो मैं तो चाहूंगा कि राम राजा जी की जो मान्यता है, वहाँ की ओरछा की जो मान्यता है, माननीय प्रधानमंत्री जी भी ओरछा में पधारें, राम राजा सरकार का मत्था टेकें, क्योंकि राम जी के नाम से ही उनका सारा काम चलता है, और वहाँ मत्था टेक कर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साथ समानता का व्यवहार करते हुए, मध्य प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार होगा तो स्वाभाविक रूप से बुंदेलखंड के साथ न्याय नहीं होगा। इसलिए दोनों भाइयों को एक सा बंटवारा करके जो है वहाँ पे जाएं, ताकि बुंदेलखंड को सही मायने में आगे ले जाए।